हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक लेक्चर नंबर 10 ओवर द अल्जेब्रा। ओके, टुडे इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ द अल्जेब्रा। ओके, तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है, जो कि लास्ट लेक्चर होगा अल्जेब्रा की। ठीक है, तो थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ तो कुछ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो टॉपिक की बात है वो हम कर चुके हैं, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चन की। ओके, जो स्पेशल टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो कि फ्रिक्वेंटली वन डे एग्जाम्स यूपी टेट सी टेट और एसटेट में पूछे जाते हैं। ओके, तो आज का ये लास्ट लेक्चर होगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चंस के प्रोटोटाइप से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, राइट डाउन अ क्वेश्चन। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक है, 0 के मूल अल्फा तथा बीटा हो, अल्फा तथा बीटा हो, ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बता दीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बता दीजिए। ओके, होप क्लियर होगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो इसको बोल सकता हूं, इफ गिवन ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0 हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ओके, होप क्लियर होगा। तो अब देखिए, कभी भी जब इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कंपेयर द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे। दैट मीन्स कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो। ओके, तो यहाँ से ए को अगर हम लोग देखें क्या हो गया 1, बी को देखें क्या हो गया 5, एंड सी को अगर हम लोग देखें तो क्या हो गया माइनस 7। ओके, होप क्लियर होगा। अब यहाँ पे हमें जो निकालना है उसको देखिए क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये मुझे फाइंड आउट करना है। ओके, हमारी नीड है ये। ओके, तो अगर ये हमारी नीड है तो ये कैसे आएगा, आप सोचिए। कभी भी ऐसे चीज़ों को निकालने के लिए इसमें क्या इन्वॉल्व है, स्क्वायर इन्वॉल्व है। दैट मीन्स कि अगर मैं थोड़ा सा ऐसा लिखने का प्रयास करूं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। अच्छा, मैं ऐसा ही क्यों कर रहा हूँ, हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी टाइप का अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके जो मूलों का नेचर है हम दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। ओके, दो फॉर्मेट में लिख सकते हैं। दैट मीन्स कि जो मुझे निकालना है उसको हम ऐसे फॉर्मेट में ब्रेक करेंगे, यानी कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ऐसे फॉर्मेट में हम ब्रेक करेंगे जिसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा हो। क्योंकि हमें अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होता है तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इक्वल टू सी बाई ए। केवल ये इन्फॉर्मेशन मुझे पता होता है। दैट मीन्स वी नीड टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करने का प्रयास करूँ तो अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा। ओके, दैट मीन्स कि अभी यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको रिमेंबर भी कर सकते हैं। ओके, बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो इसको क्या कर सकते हैं, रिमेंबर भी कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ से देखिए, अगर मैं देखूँ तो जो इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इक्वल टू 0, दैट मीन्स कि अगर इसके रूट्स अल्फा और बीटा अगर हों, ठीक है, तो इसके लिए अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। दैट मीन्स कि माइनस 5 बाई 1 कितना आ जाएगा, माइनस 5। ओके, होप क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 5। ठीक है, जिसकी नीड है मुझे, जिसकी नीड है मुझे, क्यों, क्योंकि जब हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, अल्फा प्लस बीटा की नीड पड़ेगी, दैट मीन्स ये, और अल्फा बीटा। तो यहाँ से हम एक चीज़ और कैलकुलेट कर रहे हैं, अगर यहाँ से मैं लिखूँ मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा। ओके, ठीक है, मूलों का गुणनफल, और ये क्या है, मूलों का योगफल, मूलों का क्या है, योगफल है ये। ठीक है, मूलों का योग ये हो जाएगा, और मूलों का गुणनफल अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, मूलों का गुणनफल अगर हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा, ये अल्फा बीटा, ये क्या होता है, सी बाई ए, पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो सी की वैल्यू अगर हम लोग देखें माइनस 7 बाई 1, दैट मीन्स की माइनस 7। ओके, होप क्लियर होगा। दैट मीन्स की अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 7। ओके, तो दो चीज हमें, इन दोनों की क्या है, नीड है, इन दोनों को हमने क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया, माइनस का 5, और अल्फा बीटा कितना आ गया, माइनस का 7। अब यहां से अगर मैं लिखूं अकॉर्डिंग टू फार्मूला, ओके,
आप जैसे भी चाहे याद कर सकते हैं या तो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के फॉर्मेट में अगर हम लिखें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा। होप ये क्लियर होगा। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का फाइव, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे, माइनस फाइव का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का सेवन। ओके इसी को सॉल्व कर लें तो कितना आ जाएगा, पाँच पच्चे पच्चीस और सात दुआ कितना हो जाएगा, चौदह। इसको सॉल्व कर लेंगे, पाँच चार नौ, ये थर्टी नाइन। दैट मीन्स कि यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, थर्टी नाइन। ओके होप क्लियर होगा। तो ऑप्शंस की अगर हम बात करें, ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। अगर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस कुछ इस तरीके से दे सकता है, ऑप्शन नंबर ए 38, ऑप्शन नंबर बी 39, ऑप्शन नंबर सी 40, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। ओके तो होप ये क्लियर होगा। जब इस तरीके से क्वेश्चंस आएगा हमारे सामने तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 39 को क्लिक कर देंगे, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा आंसर। ओके क्लियर है। तो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, तो ये दिस इज द प्रोटोटाइप ए क्वेश्चन, यानी कि कभी भी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जब भी सवाल आएगा तो मुझे किस में ब्रेक करना होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा। ओके होप क्लियर होगा। तो एक प्रोटोटाइप ये है कि जो फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट प्रोटोटाइप की मैं बात करूं, ठीक है, तो राइट डाउन क्वेश्चन, तो वो प्रोटोटाइप ये होता है, यदि यदि एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा तथा बीटा, अल्फा तथा बीटा, ठीक है, अल्फा तथा बीटा हो तो, अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा का मान बताइए। ओके दूसरा क्वेश्चन का प्रोटोटाइप ये है, यानी कि इस तरीके के भी सवाल फ्रिक्वेंटली क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपने गिवन इक्वेशंस को स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या करेंगे, कंपेयर कर लेंगे। तो अगर सोल्यूशन में लिखूं तो ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या कर लेंगे, जीरो कर देंगे, ठीक है। अब देखिए यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, वन, बी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस थ्री, सी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का ट्वेल्व। ओके होप ये क्लियर होगा। अब जो निकालना है मुझे, अगर मैं उसको लिखूं कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, इसको थोड़ा सा अगर मैं सॉल्व करने का प्रयास करूं तो अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, एलसीएम, तो यहां से क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखिए फिर से ये कन्वर्ट होकर क्या आ गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी हम लोगों ने इसकी वैल्यू को कैलकुलेट किया था, वो क्या आया था, वो आया था कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा, अपान में क्या लिखेंगे, अल्फा बीटा। हमें क्या करने की जरूरत होती है समझिएगा, हम कभी भी जब भी ऐसा सवाल हमारे सामने आएगा, हमारा मोटो ये होगा कि हम पूरे एक्सप्रेशन को, यानी जो भी मुझे फाइंड आउट करना है उसकी, उसको हम क्या करें, ऐसे फॉर्मेट में तोड़ लें जो कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में हो। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब गिवन होती है तो उसमें दो ही इन्फॉर्मेशन मुझे पता होती है, सम ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि अल्फा इंटू बीटा। ओके तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू कन्वर्ट द गिवन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ओके तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसको भी ऐसा चेंज करने का प्रयास किया और ये चेंज भी हो गया आसानी से। अगर मैं अब लिखूं अपने इक्वेशंस को, ओके अब मैं इक्वेशंस को लिखूं तो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व इक्वल टू जीरो, ओके यही इक्वेशन है, थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके ये है, तो यहाँ से हमारे पास अगर इसके हम रूट्स ये मान लें कि एक अल्फा हो और दूसरा बीटा, तो यहाँ से सम ऑफ द रूट्स की अगर हम बात करें, ओके सम ऑफ द रूट्स यानी कि मूलों का योग क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा वो क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, दैट मीन्स कि बी की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस टाइम्स माइनस थ्री, माइनस टाइम्स माइनस थ्री बाई कितना हो जाएगा, वन, तो कितना आ जाएगा, थ्री। ओके होप क्लियर होगा। अगर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की मैं बात करूं, ओके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की अगर हम बात करें वो क्या हो जाता है, अल्फा इंटू बीटा, दैट मीन्स ये आता है सी बाई ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितना है, माइनस का ट्वेल्व, माइनस का कितना है, ट्वेल्व, और ए की वैल्यू कितनी है, वन, दैट मीन्स कितना आ गया, माइनस का ट्वेल्व। ओके होप क्लियर होगा। तो यहाँ से अगर मैं फाइनली देखूँ
तो हमारे पास जो फार्मूला निकल के आया है, अगर आप चाहें तो याद भी कर सकते हैं, लेकिन मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि याद करने से अच्छा है जो छोटे एक्सप्रेशन हो उनको डिराइव कर लीजिए। अल्फा बाई बीटा, बीटा बाई अल्फा, डिराइव करने पे क्या आया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा अपान अल्फा बीटा। ओके, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही डेरिवेशन में तो आप डायरेक्ट इसको क्या करिए, याद कर लीजिए, ठीक है। और इसमें अब हमारे पास एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, थ्री। कितना है, थ्री का होल स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का ट्वेल्व। कितना हो जाएगा, माइनस का ट्वेल्व अपान अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का ट्वेल्व। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो इसको ऐसे लिख देंगे, तीन दिया कितना हो जाएगा, नौ, और बारह दूंगा कितना हो जाएगा, चौबीस, अपान का क्या हो जाएगा, माइनस ट्वेल्व। नौ चार कितना हो जाएगा, तेरह, दो एक तीन, अपान क्या हो जाएगा, माइनस का ट्वेल्व। दैट मीन्स कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि माइनस 33 अपान 12। ओके, फाइनली अगर मैं लिखूँ तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इक्वल टू माइनस 33 बाई 12। ओके, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगर मैं अब ये बात करूँ कि इसका ऑप्शन किस तरीके से दिया रहेगा, तो ऑप्शन कुछ ऐसा भी दे सकता है, ठीक है। ऑप्शन ऐसे दे देगा, ऑप्शन नंबर ए माइनस 33 बाई 11, ऑप्शन नंबर बी माइनस 33 11 बाई 12, ऑप्शन नंबर थ्री माइनस 33 बाई 13, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दिस। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो अभी जो हमने निकाला उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो माइनस 33 बाई कितना आया है, 12, माइनस 30, दैट मीन्स कि बी पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो इस तरह से सवाल जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है, आई होप क्लियर होगा। आगे अगर इसी का सिलसिला मैं थोड़ा सा बढ़ाऊं तो एक नए टाइप का क्वेश्चंस हम लोग देखें, दिस इज द प्रोटोटाइप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जब भी आएगा तो इक्वेशंस में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की वैल्यू का जो फॉर्मेट होगा वो तो सेम ही होगा, उसको चेंज नहीं कर सकते। तो अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट करेंगे, अल्फा बीटा, और हम पूरे एक्सप्रेशन को हमेशा ये चाहेंगे कि इसको हम कन्वर्ट कर पाए टोटली किस में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में। ओके, होप ये क्लियर होगा। तो एक नया टाइप का क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक है। यदि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो प्लस टेन इक्वल टू जीरो के मूल अल्फा व बीटा हो, अल्फा व बीटा हो तो, ठीक है, अल्फा व बीटा हो, ठीक है, तथा एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थ्री, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थ्री है तो पी का मान बताइए, पी का मान बताइए। ओके, तो इस तरीके की भी सवाल जो है फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे सवालों में अगर हमारी प्रैक्टिस रहेगी तो हम बहुत अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज क्या होता है ऐसे सवालों को करने में दिक्कत होती है, ऐसे सवालों को करने में दिक्कत होती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, कभी भी मैं जब भी मैथ्स की बात करता हूँ तो उसमें एप्लीकेशंस की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, एप्लीकेशंस की। किसी व्यक्ति, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको ये नहीं आता है कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, लेकिन जब उसके एप्लीकेशंस की बात आती है तो उसमें बहुत कम लोग फिट बैठते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही खेल है। तो देखिए अगर मैं इसको स्टैंडर्ड से कंपेयर करूं तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दी जीरो। दैट मीन्स कि ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का पी, एंड सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का टेन। ओके, प्लस का टेन, होप ये क्लियर होगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पे प्लस लिखने की कोई नीड नहीं है, ठीक है। ओके, ठीक है, टेन आ गया। ओके, अब देखिएगा इतना काम पहले हम कर लेते हैं, ठीक है। आप समझिएगा यहाँ पे जो गिवन इन्फॉर्मेशन है, गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थ्री। अच्छा, अगर ये कोई एक्सप्रेशन ऐसा दिया है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसके अगर रूट्स अल्फा एंड बीटा मैंने मान लिया, ठीक है, अल्फा एंड बीटा। ओके, इसके रूट्स हमने क्या मान लिया, अल्फा एंड बीटा, तो हम क्या निकाल सकते हैं, सोचिएगा। अल्फा एंड बीटा अगर इसके रूट्स हैं तो मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, एंड अल्फा बीटा इक्वल टू क्या आएगा, सी बाई ए। यही दो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है इस इक्वेशंस के रेफरेंस में, ठीक है। इसी तरीके से आप सोचिएगा, यानी कि हमें जो गिवन इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू थ्री। दैट मीन्स वी नीड टू डू समथिंग दैट सो दैट वी कैन कन्वर्ट द अल्फा माइनस बीटा इन द टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा। ओके, होप क्लियर होगा।
That means we need to convert alpha minus beta in the term of alpha plus beta and alpha into beta. Okay? क्योंकि हमारे पास दो ही इन्फॉर्मेशन होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन ये, सेकंड इन्फॉर्मेशन ये. तो हम क्या करेंगे, इस अल्फा माइनस बीटा में कुछ ऐसा करने का प्रयास करेंगे कि जो अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मेट में आ जाए. तो यहाँ पे देखिएगा, एक फार्मूला यहाँ पे होता है, इसीलिए ऐसे सवालों की प्रैक्टिस मैं करा रहा हूँ, ठीक है. क्योंकि कभी जब हम इसकी प्रैक्टिस किए रहेंगे तो इस टाइप का प्रोटोटाइप जब भी हमारे सामने आएगा तो हम उसको कर लेंगे. आप सोचिएगा, अगर मैं कहूँ कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर राइट करिए इन द टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो हम क्या लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स अल्फा बीटा. अब समझिएगा, ये है वही चीज, लेकिन यहाँ पे जो अभी मैं बात कर रहा था, अप्लीकेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैन रिमेम्बरिंग द डेटा. ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये अप्लीकेशन है. जैसे अगर मैं इसको एक्सपेंड करूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस टू टाइम्स अल्फा बीटा माइनस फोर टाइम्स अल्फा बीटा. तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस टू टाइम्स अल्फा बीटा, जो कि बराबर होगा किसके, इसके बराबर होगा, जो कि बराबर होगा किसके, इसके. दैट मीन्स कि हम अल्फा माइनस बीटा के होल स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस टाइम फोर इंटू अल्फा बीटा. ओके, क्लियर है. यानी कि अल्फा माइनस बीटा को हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं किसके टर्म में, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि गिवन इन्फॉर्मेशन हमारे पास किसके रूप में है, अल्फा माइनस बीटा. तो आप चाहे तो इसको क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, आप चाहे तो इसको रिमेंबर कर सकते हैं. तो यहां से आप देखिएगा, अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशंस की बात करूं, दैट मींस कि एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो. ओके, अगर मैं ओरिजिनल इक्वेशंस की बात करूं तो इसमें देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकता है, कि अगर अल्फा और बीटा इसके मूल हों, ठीक है, अल्फा बीटा इसके मूल हों, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी वाई ए, दैट मीन्स कि माइनस टाइम्स माइनस पी अपान वन, तो कितना आ जाएगा पी, कितना आ जाएगा पी. और अल्फा बीटा की अगर हम बात करें, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट, दैट मीन्स कि सी बाई ए, तो टेन बाई वन कितना आ जाएगा टेन. ओके, तो यहाँ से दो इन्फॉर्मेशन हमें मिल गया, ठीक है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन अल्फा प्लस बीटा, सेकेंड अल्फा इंटू बीटा. ओके, होप क्लियर होगा. तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस इक्वेशंस को लिखेंगे, फिर से रीराइट करेंगे नोट करके. अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप रिमेंबर कर लीजिए, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दैट मीन्स कि कभी भी किसी क्वेश्चंस में अगर अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन गिवन है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो उसके दो ही बातें पता होती हैं रूट्स के इन्फॉर्मेशन में, कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स कि अल्फा इंटू बीटा, एंड सम ऑफ द रूट्स, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा. ओके, होप क्लियर होगा. तो यहां से हम क्या लिखेंगे, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ये बराबर होगा अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, होल स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स अल्फा बीटा. ओके, आपको अगर परेशानी हो रही है तो आप इसको सीधा याद कर लीजिए कि किसी क्वेश्चन में जब भी अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मेट आएगा तो हम यूज कर लेंगे. ओके, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितने दिया है, थ्री, थ्री का थ्री गिवन है, देख ले रहे हैं थ्री. ओके, यानी कि थ्री का क्या करेंगे, स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हमारे पास आई है, ठीक है, कितना आई है p, कितना आई है p, तो यहां से क्या लिखेंगे, p का स्क्वायर माइनस फोर टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है, टेन. ओके, फोर टाइम्स टेन. ओके, होप क्लियर होगा. तीन तीन नौ इक्वल टू क्या हो जाएगा, p स्क्वायर, और ये दस कितना हो जाएगा, चालीस, कितना आ जाएगा, दस चौके चालीस. यानी कि अगर हम लोग p स्क्वायर की बात करें तो कितना हो जाएगा, नौ प्लस चालीस कितना हो जाएगा, उनचास, ठीक है, उनचास हो जाएगा, फोर्टी नाइन. दैट मीन्स कि p स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, फोर्टी नाइन, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 49. दैट मीन्स कि यहाँ से क्या ले, सात सते उनचास, सात सते उनचास, तो कि p की वैल्यू कितने आ गई, प्लस माइनस 7. होप ये क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो डिफिकल्ट हो, ये क्या हो जाएगा, आंसर. अब अगर मैं ऑप्शंस का सिलसिला शुरू करूँ, ठीक है, तो ऑप्शंस कैसे आपके सामने दे सकता है. ओके, अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो ऑप्शन ऐसे आएगा, ए ऑप्शन है प्लस माइनस 5, बी ऑप्शन है प्लस माइनस 6, सी ऑप्शन है प्लस माइनस 7, एंड डी ऑप्शन आ जाएगा नन ऑफ दिस. क्या आ जाएगा, नन ऑफ दिस. तो इस तरीके से हमें अगर ये क्लियरिटी है कि इसका आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ से क्लिक कर पाएंगे कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके, तो पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 7. ओके, होप क्लियर होगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस भी फ्रिक्वेंटली क्या होते हैं, पूछे जा रहे हैं, ठीक है, वन डे एग्जाम, सुपर टेट, सी टेट, एस टेट, ठीक है, सारे इस तरह के एग्जाम्स में इस तरह के प्रोटोटाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. ओके, होप क्लियर होगा. तो अगर मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, ठीक है,
तो ये एक बेसिक यानी कि रूल्स हैं जिस पे इस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इस तरह के भी सवाल खूब पूछे जाते हैं कि अगर रूट्स गिवन है तो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ठीक है। तो जैसे लिखें किसी द्विघात समीकरण, किसी द्विघात समीकरण के मूल -7 एंड -3 है तो वह द्विघात समीकरण, ज्ञात कीजिए। ठीक है, होप क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए अब इसके अगर मैं थियोरी की बात करूं तो इसके पहले मैं बता चुका हूं कि इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, इसके पहले भी मैं बता चुका हूँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू जीरो, हाँ भी क्लियर होगा। अच्छा ये क्यूबिक में भी आता है, ठीक है, लेकिन आपका कोर्स वो नहीं है, तो एक रूल है, ठीक है, यानी कि अगर हम बात करें इसके तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, तो इसको याद कैसे करते हैं, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, अगला क्या हो जाएगा निगेटिव, फिर अगला क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ओके ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं सोल्यूशंस लिखना शुरू करूँ तो अगर मैं पहले रूट को, ठीक है, पहला रूट मैं अल्फा मान लूँ और दूसरा बीटा, तो अल्फा की वैल्यू मैं कितना मान ले रहा हूँ, माइनस का 7, ठीक है, माइनस का 7 और ये क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, यानी कि -7 -3 कितना आ जाएगा माइनस का 10, और अल्फा बीटा की अगर हम बात करें अल्फा बीटा ये कितना आ जाएगा -7 इंटू माइनस का 3 कितना आ जाएगा प्लस का 21। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखूं, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, ठीक है, और प्लस का अल्फा बीटा, ठीक है, प्लस का अल्फा बीटा, दैट मीन्स यहां से अगर मैं लिखूं एक्स स्क्वायर माइनस माइनस का 10x, ठीक है, प्लस का 21, प्लस का 21, दैट मीन्स कि यहां से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 10x प्लस 21 इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, इक्वल टू जीरो, ओके, होप क्लियर होगा। तो ये हमारा क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, क्लियर है, बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अब इसी में थोड़ा सा एक क्वेश्चन और मैं ले रहा हूँ, थोड़ा सा जो टेढ़ा टाइप का होता है, ठीक है, अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन और ऐड कर दूँ कि अल्फा की वैल्यू √3 एंड बीटा की वैल्यू जो है -√3 कितना हो जाएगा माइनस, ऐसा करते हैं इसको भी √3 ही डालते हैं, ठीक है, ये भी क्या है √3, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा अगर हम लोग निकालेंगे क्या हो जाएगा √3 + √3 कितना आ जाएगा 2√3, कितना आ जाएगा 2√3, और अल्फा इंटू बीटा की हम बात करें तो √3 × √3 कितना आ जाएगा 3, ओके क्लियर है। तो यहां से अगर मैं इक्वेशंस लिखूं, इक्वेशंस को अगर हमें राइट करें, हेंस क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल बी, वो क्या होगा विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो, होप क्लियर होगा, बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं देखूं तो क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है 2√3 x प्लस अल्फा बीटा 3 इक्वल टू जीरो, ओके ये रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा सोल्यूशन हो जाएगा, ये हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ओके बिल्कुल आसान है, ठीक है, कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है। आपके दिमाग में फार्मूला और कैलकुलेशन अगर है तो आप क्वेश्चन तुरंत निकाल लेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं पूरा कर दे रहा हूँ, फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके बिल्कुल आसान है। अच्छा आज के लास्ट टॉपिक की तरफ हम लोग मूव कर रहे हैं, ठीक है, जो कि अंतिम प्रोटोटाइप होगा क्वेश्चंस का, ठीक है, और ये लास्ट लेक्चर भी है अलजेब्रा का, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अलजेब्रा में और कुछ नहीं है, जैसा कि पिछले लेक्चर्स में भी मैं बता चुका हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन आप कहाँ पढ़ते हैं ये इंपॉर्टेंट है, कि आईआईटी जेई की क्लास में पढ़ते हैं, कि क्लास 12th के लिए पढ़ते हैं, कि क्लास 10th के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये अपने आप में खुद एक ब्रॉड चैप्टर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, ना कि
अलजेब्रा की डीप स्टडी करना है. ओके okay? तो ये जितने भी टॉपिक्स हमने अभी तक डिस्कस किए हैं वो इम्पॉर्टेंट है. ओके okay? ओके फाइन. तो आज के लास्ट क्वेश्चन और प्रोटोटाइप की तरफ अगर हम लोग मूव करें तो कुछ ऐसा हो सकता है. ठीक है, एक क्वेश्चन लिखते हैं. इफ इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके, इफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो हैविंग हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब. ओके, तो हिंदी में अगर मैं बोलूं तो ऐसा हो सकता है कि अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यानी कि एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, जिसके मूल अगर अल्फा और बीटा हो तो एक्स क्यूब प्लस यानी कि सॉरी अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब यानी कि अल्फा बीटा जिसके मूल हो, तो हमें वैल्यू बता दीजिए किसकी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की. होप क्लियर होगा. अब देखिए हमने क्या कहा कि जैसे ही इक्वेशन हमारे सामने आए तो मुझे क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट से कंपेयर करना है. ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो. यहाँ से अगर मैं ए देखूँ तो ए की वैल्यू कितनी है वन, बी की वैल्यू कितनी है माइनस का फाइव, एंड सी की वैल्यू को अगर हम देखें तो माइनस का टू. ठीक है, क्लियर है. अब मुझे जो निकालना है उसकी अगर हम बात करें, नीड यानी कि किसकी जरूरत है मुझे, हमें जरूरत है किसकी, जरूरत है अल्फा क्यूब और प्लस बीटा क्यूब की. ठीक है, यानी कि अगर मैं ये मान लूँ कि जो ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है, ठीक है, जो इक्वेशन हमें गिवन है इसका एक रूट अल्फा और एक रूट क्या है बीटा, तो हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है. सिर्फ इन्फॉर्मेशन के तौर पे अगर हम लोग बात करें तो क्या मिल सकता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, ये क्या हो जाएगा सी बाई ए, ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाई ए, दूसरी कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है. ठीक है, तो यहाँ से माइनस बी बाई ए की बात करें तो माइनस टाइम्स माइनस फाइव बाई वन दैट मीन्स कितना आ गया फाइव, और सी बाई ए की अगर हम बात करें तो माइनस टू बाई वन दैट मीन्स माइनस टू. ओके, होप क्लियर होगा. तो यहाँ से आप देखिए, अब हमारा मोटो क्या होगा, जैसे पिछले सवालों में हमने अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को हमें किस में कन्वर्ट करने की जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा के फॉर्मेट में. ओके, ये मुझे निकालना. आप सोचिए आएगा कहाँ से, अगर मैं थोड़ा सा लिखूँ कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस थ्री टाइम्स अल्फा बीटा, थ्री टाइम्स अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा. ये फार्मूला कहाँ से आया, ये फार्मूला आया है ए प्लस बी का होल क्यूब. वो क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी और ब्रैकेट में ए प्लस बी. यहाँ पे हमने ए प्लस बी की जगह क्या ले लिया, अल्फा ले और ले लिया है और बीटा. अब यहाँ से अगर मैं निकालूँ तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू हम देखें तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस थ्री टाइम्स अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा. ओके, होप क्लियर होगा. अगर किसी को ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आप डायरेक्ट रिमेंबर कर लीजिए कि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है. ठीक है, क्योंकि एग्जाम में जब भी क्वेश्चंस आएगा तो आपको रिमेंबर है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप थोड़ा सा दिमाग पर प्रेशर लगा के इसको क्रिएट भी कर सकते हैं जैसे अभी मैंने किया. ओके, होप क्लियर होगा. तो यहाँ से आप हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा बीटा भी है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है फाइव, दैट मीन्स कि यहाँ से क्या करेंगे फाइव का क्यूब, ठीक है, माइनस थ्री टाइम्स अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है माइनस का टू, कितना आया है माइनस का टू. ओके, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा कितना आया है फाइव, तो यहाँ से क्या लिख देंगे फाइव. तो इसको सिंपली क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, पाँच पच्चे पच्चीस पंजे एक सौ पच्चीस आ गया, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, दो बार माइनस से प्लस हो जाएगा,
ये कितना आ जाएगा, दो तिया छः और छः पचे 30, ठीक है। तो फाइनली अगर हम लोग देखें तो कितना आ जाएगा, 130, 20, 50, 55, 100 कितना आ जाएगा, 55, ये क्या हो जाएगा आंसर। दैट मीन्स कि अगर मैं फाइनली यहाँ पे कंक्लूड करूँ तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 155, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, बिल्कुल आसान है। तो आज क्लास को कर देते हैं विराम यहीं पे, ठीक है, यानी कि अलजेब्रा का सेशन यहाँ पे हो जाता है पूरी तरीके से ख़त्म। कल से कुछ हम नया स्टार्ट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा अभी डिसीजन नहीं लिए हैं, अदरवाइज अभी मैं डिस्क्लोज कर देता कि क्या स्टार्ट करेंगे, तो मैं देखूंगा कि क्या स्टार्ट करना है क्या नहीं, ठीक है। तो जो भी स्टार्ट करेंगे कुछ छोटा स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मुझे 7-8 दिन के लिए छुट्टी लेंगे, ठीक है, तो ऐसा कुछ स्टार्ट करेंगे कि जो 7-8 दिन के अंदर ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो दिवाली के कारण कुछ दिन जो है क्लास बाधित रहेगी, अदरवाइज फिर से मैं जब आऊँगा लौट के तो कंटिन्यू फिर से करूँगा, ठीक है, होप। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, इस प्लेलिस्ट को जैसे ही आप ओपन करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप ओपन करेंगे तो अलजेब्रा के सेशन में जैसे ही जाएंगे, ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है, स्लो है, ओपन हो जाएगा। ओके, तो देखिए बेसिक अलजेब्रा की अगर हम बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है यूपी टेट, सी टेट, एस टेट और वन डे एग्जाम्स के लिए, यानी कि आज का मिला के पूरा 10 लेक्चर हमने लिया है, ठीक है, वो 10 लेक्चर सीरियल वाइज है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, वो सारे लेक्चर्स वन बाई वन यहाँ से प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। ओके, और अगर ज्योमेट्री का क्लास लेना है तो आप ज्योमेट्री का प्लेलिस्ट ओपन करके वहाँ से उसको देख सकते हैं। तो ज्योमेट्री पे आई होप 30-31 लेक्चर्स हमने लिया है। ओके, तो बिल्कुल आसान है, यहाँ से आप सारी चीज़ें डेटा को फेच कर सकते हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो ना दिख रहा हो, ठीक है। तो प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। और एक चीज़ और, हर जितने भी वीडियो हैं अभी तक के, कोई भी आप ओपन करेंगे, ठीक है, कोई भी वीडियो आप ओपन करेंगे उसका डिस्क्रिप्शन जब चेक करेंगे, ठीक है, उसके डिस्क्रिप्शन में जैसे ही आप आएंगे तो आप पाएंगे कि सभी वीडियो के जो रनिंग क्लास के नोट्स होते हैं उसको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड कर दिया जाता है, ताकि आप लेक्चर्स के साथ उसको क्या कर सकें, देख सकें और कनेक्ट कर सकें। ओके, होप क्लियर होगा। और नेटवर्क का थोड़ा सा इशू है, ओपन नहीं हो रहा है अदरवाइज, ठीक है। तो हेलो एवरीवन, ओके, जैसा कि ये देखिए, ओके, नेटवर्क का इशू है, छोड़ते हैं इसको। तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। ओके, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो आज से अलजेब्रा को कर देते हैं क्लोज, स्टार्ट करेंगे कुछ नया। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।